नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल Aspire Tutorial में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अलग अलग पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। वर्क पावर एनर्जी का जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो सब चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है, और इस सीरीज में उसके रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में एससी वर्मा के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम के लिए सीरियस हैं, जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोनों वीडियो को देखा करिए, थ्योरेटिकल वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी। और जो लोग केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो केवल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उतना देखेंगे, उनके लिए मोर देन सफिशियंट है। लेकिन नीट और जेई के लिए ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए उस सारे टाइप के क्वेश्चन मैं एक अलग सेशन में चला रहा हूं, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेशन किस वे में चल रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। तो चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, अगर आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा। और स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो चलिए, इस क्वेश्चन पे कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक व्हिच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। देखो ये कह रहा है कि यहां से एक ट्रैक चालू हुआ जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, और इसका यहां तक एक फाइनल ट्रैक बना हुआ है। ध्यान से देखिए, ये यहां तक देखो पूरा नहीं कहा, यहां से आके ना नीचे आके यहां से ड्रैग होके ऐसे गिरेगा। तो आपसे पूछ रहा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर यहां पॉइंट ए है, आपका पार्टिकल यहां से स्लिप करना चालू करता है, आपसे पूछ रहा है कि कितना दूर पे जाके गिरेगा। आपको एक्स पूछा जा रहा है इस पॉइंट से, तो चलो कितना दूर जाके गिरेगा उसको हम कुछ देखो। जब यहां से आएगा, यहां से स्लिप मारेगा, तो मान लेते हैं ये कुछ यहां पे आके गिरेगा, ठीक। और ये रहा पॉइंट आपका बी, यहां से यहां जितनी दूर पे जाके गिरेगा उसको मान लेते हैं एक्स दूरी पे गिरेगा। बी की ऊंचाई डाटम से 0.5 मीटर दी है और ए की ऊंचाई 1 मीटर दिया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमें अगर किसी तरह बी पे वेलोसिटी पता चल जाए, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो काइनेमेटिक्स में रीड किए थे, यहां से उसका कॉन्सेप्ट लगा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो कॉन्सेप्ट लगा के हम आपका कितना दूर जाके गिरेगा उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, h, h इक्वल टू 1 मीटर दिया है, जो कैपिटल हाइट उसको s से दिखा रहे हैं। स्मॉल h जो b की हाइट है, दिया है 0.5 मीटर, ठीक। यहां तक कुछ दिक्कत हुआ आप, कुछ अभी हमको कुछ नहीं पता चल रहा है कि है क्या। तो चलो, हमें जब कुछ ना समझ में आए तो हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी कहां कहां लगाएंगे, पॉइंट ए से बी के बीच, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो ए पे कौन कौन सी एनर्जी है, ए पे ध्यान से देखो, पार्टिकल यहां रुका हुआ है, वेलोसिटी यू मतलब जीरो है, और यहां पे मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई है, भी हो गई है, ठीक। तो चलो, यहां पे आपका जब वेलोसिटी जीरो है तो h ऊंचाई पे है, केवल क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी m, ब्लॉक का मास m मान देते हैं, mgh इक्वल टू हाफ m, b पे एनर्जी लिख रहे हैं, b पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस b पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहां पे हमें v स्क्वायर चाहिए ना, तो हाफ भी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से जी कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखो सब वैल्यू दिया हुआ है, भी स्क्वायर इक्वल टू 2g कैपिटल एच माइनस एच। देखो ध्यान से समझिए, पेशेंस के साथ, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं।
तो g की वैल्यू 2 इंटू 9.8 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5, ठीक। जब 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब v इक्वल टू रूट 9.8 बचेगा, यही बचेगा ना। और जब v का हम स्क्वायर रूट देंगे निकल के आएगा 3.1 मीटर पर सेकेंड। देखो कई बार जे या नीट में ना यहाँ पे केवल वेलोसिटी ही पूछ के छोड़ देता है, तो एक आंसर तो आपका निकल गया। मैं जितना पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, ताकि एक ही क्वेश्चन करो, हर टाइप का आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो पार्टिकल बी पे आ गया है, अब बी से क्या मोशन कर रहा है, बी से प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू करेगा ना यहां से। अब देखो यार, जब यहां पे हॉरिजॉन्टल है यहां से तो ऐसे फेंका जाएगा, कुछ ऐसे आके गिरेगा, वही होगा ना, यहां से सीधा स्लिप मार जाएगा कि नहीं। देखो जब बी पे आएगा, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, एंगल कुछ नहीं दिया है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब ये यहां से आएगा कुछ ऐसे आके सीधा गिरना चालू होगा कि नहीं, यहां से जब आएगा कुछ ऐसे आके सीधा गिरना चालू होगा कि नहीं, मान लेते हैं वो एक्स दूरी पे आके गिरा है, तो यहां थीटा कितना बनाएगा। जब देखो आगे कोई वर्टिकल नहीं है, यहां प्लेन हो गया है बी पे, तो यहां थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री है, इसको याद रखना। अब चलो अगला लिखते हैं, अब आफ्टर बी, यहां लिख देता हूं आफ्टर पॉइंट बी, आफ्टर पॉइंट बी बॉडी अब क्या आपका करेगी, बॉडी एक्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, ई एक्स एच आई बी आई टी एस, एक्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच, देखो जो जो दिया है क्राइटेरिया ना प्रोजेक्टाइल के, जो अपने को चाहिए हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करेगा, और एच इक्वल टू, देखो नीचे आ रहा है तो मैं माइनस 0.5 दे देता हूं, ये अगर रिफरेंस मानू, ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस देंगे जो रिफरेंस है। तो चलो हमें अगर एस निकालना है, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। और देखो अगर यू यहाँ एंगल पे, मान देते हैं किसी एंगल पे गया, ठीक, शुरू में इसका एंगल 0 है, यहां से मान लेते हैं कि कुछ एंगल बनाया है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा जिस वेलोसिटी से, एक तो एक कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या आएगी, यू साइन थीटा, यहां यू साइन थीटा आएगा, अगर यहां देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो चलो यहां वैल्यू पुट करते हैं, एस, एस की वैल्यू हाइट कितनी है, माइनस 0.5 इक्वल टू यू की वैल्यू यू साइन थीटा, मतलब भी यहां यू की वैल्यू भी है ना, भी साइन थीटा, ठीक। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, एच इक्वल टू आपका ये आ गया यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो थीटा 0 है तो यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0.5 इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, और जी की वैल्यू भी ग्रेविटी में मोशन कर रहा है तो माइनस से हो जाएगा, और जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे इंटू टी स्क्वायर। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 0.31 सेकेंड। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, टी इक्वल टू रूट ए मल्टीप्लाई 0.98 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट देंगे तो 0.31 सेकेंड आएगा। अब देखो जैसे ही हमको ये मिला, यहां पे देखो डायग्राम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा प्रोजेक्टाइल में कॉन्स्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है तो कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू आपका क्या होगा, टाइम। देखो यहाँ टाइम का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है, टाइम का आगे नहीं कराते हैं, ठीक। चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू कितनी आई थी, यू की वैल्यू आई है 3.1 कॉस 0 डिग्री इंटू टी की वैल्यू 0.31, तो कितना दूर जाके गिरा, जब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इसका कराएंगे तो 0.985 मीटर। तो कितना इजीली हमने क्वेश्चन निकाल लिया, इस कॉन्सेप्ट पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो मैंने पिछला क्वेश्चन किया, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने
क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखिए कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई और आपसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ब्लॉक वेटिंग 10 न्यूटन, देखो 10 न्यूटन दिया है मतलब mg की वैल्यू दिया है, mg इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। यहाँ ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व ट्रैक ए से बी, ए से बी तक एक ब्लॉक देखो ट्रेवल करके आ रहा है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द रफ सरफेस है जो फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ 0.20, इस सरफेस पे म्यू की वैल्यू कितनी है 0.20 विथ द ब्लॉक। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट h इक्वल टू 1 मीटर, ये कितना ऊपर पे है h इक्वल टू 1 मीटर एबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। अब आपसे पूछ रहा है जब a से स्लिप होना चालू हुआ, अब इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो उसे पीछे ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स इसको बराबर कर देगा और ये आगे नहीं जा पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ड्राइविंग फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो हमको वही पता करना है कि जब दोनों बराबर हुए तो कितने दूरी पे जाके बराबर हुए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो मान लेते हैं ब्लॉक आपका यहां पे आके रुक गया, अब अगर रुक गया यहां से चलना शुरू किया, इनिशियल में रेस्ट में था 0 और अगर यहां पे आके रुका है तो भी इक्वल टू 0। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, जो डेटा दिया था सारा मैंने यहां पे लिख दिया, यहां भी लिख देते हैं म्यू इक्वल टू 0.2 और क्या दिया है h इक्वल टू 1.0 मीटर और क्या आपको दिया है u इक्वल टू भी इक्वल टू 0, ये अपना गिवन डेटा है। अब चलो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे एनर्जी निकाल लेते हैं, इस पे कौन सी एनर्जी है अगर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है आपका वर्क डन इक्वल टू, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था, जब आपको वर्क पावर एनर्जी में सिखा रहा था उसके दूसरे या तीसरे लेक्चर में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं, वहां डिटेल में सब सारी चीजें डेरिवेशन के साथ आपको सिखाया हूं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एम जी की वैल्यू कंबाइंड 10 न्यूटन दिया है, एच की वैल्यू 1, जब इसको पुट करेंगे निकल के आएगा 10 जूल। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो आपका सरफेस फ्रिक्शन है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां लिख देता ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल पे सरफेस पे कौन सा फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना आपका आएगा उसको पता करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कार्य कैसे किया जाता था, W इक्वल टू एफ एस होता है और F क्या है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं F इक्वल टू म्यू आर, यही ना, और R इक्वल टू एम जी दिया है तो म्यू एम जी, नॉर्मल कंपोनेंट देंगे इसलिए एम जी दिया है क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस में हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन का, आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि आपने एंगल क्यों नहीं दिया। दस इक्वल टू 2 न्यूटन, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है बोलो। अपने को फोर्स पता चल गया वर्क पता है तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, W इक्वल टू F इंटू एस, एस इक्वल टू W बाई F। देखो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना क्वेश्चन आप तुरंत कर दे जाओगे, लेकिन अगर वही नहीं कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो आपको क्वेश्चन लगेगा कि इतना डिफिकल्ट है और आपको फिजिक्स बहुत ही टफ लगेगी, इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कीजिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे जेई ने क्वेश्चन इस बार पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कैसे एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे वेरिएबल मास और ये सब जब लगता था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेज है कि मास को हम कंसिडर करेंगे स्मॉल लेंथ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके समझिएगा क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। तो देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल ओवरहैंग्स अ टेबल विथ इट्स 2/3 part ऑन द टेबल, फाइंड द वर्क टू बी डन बाई ए पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। देखो ये कह क्या रहा है कि आपके पास एक टेबल है, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको ड्रॉ कर देते हैं, टेबल रखी हुई है, अब यहाँ पे एक चैन है, ठीक है, ये जो चैन का लेंथ है
जो इसका 2L by 3 है वो आपका टेबल पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2L by 3, ये कहाँ पे है आपका टेबल पे है, अगर 2L by 3 और चैन की पूरी लेंथ है L, लेंथ कितनी है पूरी लेंथ, क्वेश्चन में दिया है स्मॉल L और मास कितना है पूरे चैन का मास स्मॉल m, ये पूरे चैन का मास की बात कर रहा है, अगर यहां से यहां तक 2L by 3 हुआ तो जो नीचे लटक रहा है वो कितना आएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बचेगा L by 3, तभी तो दोनों को ऐड करोगे आप L के बराबर आएगा, बताइए कुछ दिक्कत हो तो बताइए। अब अपने को पूछ रहा है कि जो नीचे का पोर्शन लटक रहा है ना, एक आदमी इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो जब ये पोर्शन पूरा ऊपर आ जाएगा टेबल के ऊपर तो इस आदमी को कितना काम करना पड़ा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। अब मान लेता हूं मैं, देखो ये मास है, वेरिएबल मास है, यहां से यहां की हाइट कितनी है डी एक्स, डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं और टेबल से कितने दूर पे है एक्स दूर पे, टेबल के एक्स डिस्टेंस पे हम एक डी एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे आराम से करिएगा, तो यहां लिख देता हूं लेट डी एक्स, डी एक्स क्या है डी एक्स बी द लेंथ, डी एक्स बी द लेंथ। देखो जब भी वेरिएबल मास ये सब आते हैं तो हम एक छोटा सा स्मॉल पे सारा कैलकुलेशन करके इंटीग्रेशन करके पूरे का निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे माना है एक्स डिस्टेंस पे हमने माना है, एट अ डिस्टेंस एक्स, यही है ना जो हमने माना है, कहां से माना है फ्रॉम द टेबल। देखो जो हमने किया ना यहां आपको लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने इसकी थ्योरी आपको सिखाई थी लेकिन बोला था न्यूमेरिकल वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर हम वर्क डन लगाएंगे, हमको एफ इंटू एस चाहिए, एस तो हमें पता चल गया डी एक्स हो रहा है, अब डी एक्स का मास कितना है उसको कैसे आप पता करोगे, तो मास के लिए आप क्या करोगे, अगर पूरे लेंथ का, पूरे लेंथ का मास कितना है m है, एक मिनट स्मॉल l है ना, अगर l लेंथ का मास m है तो वन यूनिट का मास कितना होगा m बाई l होगा, यही होगा ना, अगर पूरा l है तो एक का कितना होगा m बाई l, और अगर हमको dx का पूछे तो dx का कितना मास होगा m बाई l, अगर एक का है तो dx का कितना मास होगा, dx के लिए हम m बाई l इंटू डी एक्स लेंथ पे यहां लिए है ना छोटू सा, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स होगा, यही मास होगा ना यूनिट मास, जो इसका कितना मास हो रहा है डी एक्स डिस्टेंस पे, बताइए अगर ए आप समझ गए तो आगे आप सब कुछ कर ले जाओगे। अब हमको पता चल गया है मास कितना हो रहा है डी एम, एक मिनट इसको एक्स नहीं इसको एम कर देते हैं, ठीक है डी एम इस छोटू से एलिमेंट का, तो जितना इसका होगा डीएम का एम बाई एल इंटू डी एक्स होगा, जितना दूर पे फैला हुआ है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए वर्क डन का फार्मूला लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है आपका वर्क डन, वर्क डन टू पुट डी एक्स पार्ट बैक ऑन द टेबल, यहां से यहां तक वापस ले जाने में कितना कार्य किया गया उसको हम लिखते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा m by l, यही होगा ना मास इंटू डी एक्स जी, और कितना ऊपर लेके गए हैं, देखो डी एक्स को हम कितना ऊपर लेके जा रहे हैं x ऊपर ले जा रहे हैं जो यहां माना है g इंटू x, यहां तक समझ में आया कि नहीं, इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं w इक्वल टू m by l इंटू जी एक्स डी एक्स। अभी एक छोटू सा काम हुआ है dw, चलो dw मान देते हैं, ठीक। अब हमें पूरा वर्क चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड का, अगर हमें पूरा वर्क चाहिए तो हमें सबसे सिंपल दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो x का फंक्शन आ गया कि नहीं, और कहां से कहां तक वैल्यू इसकी जा रही है, जीरो से लेके l बाई थ्री तक इसकी वैल्यू वेरी हो रही है जो इसकी लिमिट है, देखो l बाई थ्री लेंथ को ही तो ऊपर ले जा रहे हैं, ए पोर्सन को यहां पर आ जाएगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म है एम बाई एल इंटू जी, एक कांस्टेंट टर्म है, और जब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर दो डिवाइडेड बाई टू, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है जीरो से एल बाई थ्री तक, इंटीग्रेशन पता है ना, अगर एक्स डी एक्स है तो
एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता था, एक्स के पावर एन प्लस वन जितना बार गया डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये इसका फार्मूला होता था। इसका मैंने इंटीग्रेशन का डिटेल में मैथमेटिकल टूल में चैप्टर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप वहां से जाके रेफर करके देख सकते हो। एम बाई एल इंटू जी, अब एक्स की वैल्यू एक बार एल बाई थ्री रखो, एल बाई थ्री का स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर, नाइन इंटू टू एटीन माइनस जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क निकल के कितना आएगा, एम जी एल, देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या ऊपर बचेगा एम जी एल और नीचे क्या बचेगा नौ दुना अठारह। ये रहा इसका वर्क डन, एल बाई थ्री लेंथ को ऊपर ले जाने में कितना कार्य किया गया, एम जी एल बाई एट्टी। जब भी ऐसा वेरिएबल मास का क्वेश्चन आए आप एक छोटा सा एलिमेंट मानना और उसका मास निकाल लेना, फिर आप वर्क डन लगाना। अगर फ्रिक्शन यही कर देता तो फ्रिक्शन का हम लगा देते म्यू एम जी एक्स, फिर एम की वैल्यू यहां उठा के रखते, इक्वेशन अपना उसमें कन्वर्ट हो जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, बस इसमें केवल फ्रिक्शन ऐड हुआ है। तो आप वीडियो को पहले पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए कि मिस्टेक्स आपसे हुई कहां है। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, पूरा पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, सेम है एक चैन है जिसका लेंथ एल है, लेंथ कितना दिया है यहां नोट कर देते हैं, लेंथ दिया है इसका कैपिटल एल और इस चैन का मास दिया है कितना कैपिटल एम। ओवरहैंग्स अ होरिजेंटल टेबल विथ इट्स टू थर्ड पार्ट ऑन द टेबल, सेम द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द टेबल एंड द चैन इज म्यू, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चैन स्लिप्स ऑफ द टेबल। देखो इस केस में हमने चैन को वापस खींच के लाया था, लेकिन इस केस में आपका चैन पूरी नीचे चली जा रही है तो फ्रिक्शन के कारण कितना काम होगा। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये क्या है, टेबल है, इसका एक चैन रखी हुई है तो चैन बना देते हैं। देखो टेबल पे कभी आप चैन लटकाते होगे तो ऐसे ही लटकती है ना, इसका जो 2L by 3 पार्ट है ये इनिशियल में अभी क्या है टेबल पे है, ठीक 2L by 3 और ये फ्रिक्शन है जो चैन और इसके बीच लग रहा है ना, इसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया है म्यू। अब क्या होता है कि चैन नीचे गिरना शुरू होती है, आपसे पूछ रहा है जब 2L by 3 पार्ट यहां से आके नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन है, देखो अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन ने कितना इस पे कार्य किया, उसको आप कैसे निकालोगे। तो देखो नीचे गिरेगा कहां से, आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा, जब वापस नीचे गिरेगा पूरा नीचे आ जाएगा तो फ्रिक्शन इतने ही पॉइंट पे लगा है ना, तो हम मान लेते हैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स, ठीक इसकी विड्थ और इस पॉइंट से कितना दूरी है एक्स दूरी पर, सेम कॉन्सेप्ट वहां नीचे आ रहा था, यहां ये नीचे गिर रहा है, वहां हम ऊपर ले जा रहे थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने टेबल के इस कोने से एक्स दूरी पर एक डी एक्स एलिमेंट लिया है, यहां लिख देता हूं लेट लेट एक्स लेंथ ऑफ चैन, लेंथ ऑफ चैन इज ऑन द टेबल। देखो ध्यान से समझिए एकदम पेशेंस के साथ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं मान देता हूं चैन की लेंथ कितनी है, पार्टिकुलर इंस्टेंट चैन की लेंथ है आपकी एल सॉरी एक्स, ठीक है एक्स दूरी पे मान दिया है। अब वर्क डन बाई एक मिनट, ये डी एक्स है ना, डी एक्स कितने दूरी पे है एक्स दूरी पे है, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितने एलिमेंट पे होगा, अभी हमने जब डी एक्स पे सारा फोकस आपका फ्रिक्शन फोर्स किस पे हम कंसीडर करेंगे, केवल हम स्मॉल एलिमेंट डी एक्स पे करेंगे, स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। अब क्या होगा डी एक्स का, पहले आप मास निकालो, ठीक है चलो, अगर ए लेंथ का मास एम है
वन यूनिट का मास कितना हो जाएगा, अगर पूरे का एल है तो एक पार्ट का एम बाई एल होगा, और हमें डी एक्स का चाहिए, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, डी एक्स लेंथ का एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये आपका आया है डी एम, जो डी एक्स है उसका आपका मास निकल के आया है। यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं, एक हमने कैसे लिया, देखो यार अगर पूरे लेंथ का मास सेम है तो एक यूनिट का कोई पूछे, अगर कोई पूछ तो आप कैसे निकालोगे, एल का यहां डिवाइड कर देंगे, और यहां पे जितने लेंथ का चाहिए हमें, अगर डीएम का चाहिए तो हम यहां पे डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डीएम जितने दूर में चाहिए उसकी लंबाई अपने को दी है डीएक्स, इसका मास भी यहां मान लेते हैं डीएम है मास। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना शुरू करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू एफ स्मॉल एलिमेंट पे म्यू आर एक्स, और आर इक्वल टू क्या होगा आपका, R इक्वल टू आपका होता है m इंटू जी, कैपिटल m है तो m इंटू जी, और m की वैल्यू हमने वहां पे निकाला है, यहां dm कर देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो चलो इसको पुट करते हैं, डी डब्ल्यू एफ इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू एम जी डी एम जी, डी एम की यहां वैल्यू पुट करो m बाई एल इंटू डी एक्स, यही आएगा ना, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। अब इसको और अरेंज करते हैं, डी डब्ल्यू एफ इक्वल टू म्यू एम बाई एल जी एक्स डी एक्स। अब अपने को कहां से कहां तक ये चैन जाके गिरी है, पूरा लेंथ कितना है, टू एल बाई थ्री, यही है ना। अब देखो यहां तक तो टू एल बाई थ्री है, लेकिन ये पॉइंट जब यहां पे आके पहुंचेगा कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहां जीरो हो जाएगी ना, तो कहां से कहां तक लिमिट बेरी करेगा, इस साइड 2l बाई थ्री, जब x इक्वल टू 2l बाई थ्री से और x इक्वल टू जीरो पे आ जा रहा है, तब का हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है। लिमिट समझ में आया कि नहीं, कैसे हमने पुट किया, देखो यहां से गिरना शुरू हुआ ना, इनिशियल में था 2l बाई थ्री, फाइनल में तो जब ये नीचे पूरा लटक जाएगा तो यहां से तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहां पर जीरो आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये निकल के आ जाएगा म्यू एम बाई एल जी, ये तो आपका कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट टू एल बाई थ्री से जीरो, जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम पुट करेंगे, देखो माइनस में आंसर आ ही गया, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको पता है क्या होता है, माइनस में आता है, क्योंकि फ्रिक्शन इस पे काम कर रहा है, जीरो माइनस टू एल का स्क्वायर करोगे फोर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई तीन त्रिका नौ दुना अठारह, और जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एफ इक्वल टू निकल के आएगा, देखो यहां चार से जब दो से हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, दो दुना चार दो नवा अठारह माइनस टू म्यू एम जी एल, यही बचेगा ना, एक मिनट यहां एल है ना, कैपिटल एल है, ठीक माइनस टू म्यू एम जी एल, और नीचे क्या बचेगा, नीचे दो से काटे हैं तो नाइन बचेगा, ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखो कुछ नहीं करना था, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा था उन्हीं सब का यूज करके, पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट पे निकालना जैसा हम पहले करते आ रहे थे, फिर लिमिट पुट कर देना, पूरे एलिमेंट का आंसर निकल आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों जो हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दो से तीन बार खुद से सॉल्व करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप देखिए कि मिस्टेक्स आपसे कहां पे हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी, एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 केजी, ठीक, एट द पॉइंट ए, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, रफ ट्रैक शोन इन फिगर इफ स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट, ये नीचे की तरफ ऐसे ढकेल दिया जा रहा है, इट स्टॉप्स एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे आके जो आपका पॉइंट बी है यहां पे आके ब्लॉक रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग ईच ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी, आपसे पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक ए से बी पे आया
वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है उसको आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। तो जो जो दिया है यहां लिख देते हैं, एम इक्वल टू 1 kg, इनिशियल हाइट को कैपिटल एच दे देते हैं 1 meter और स्मॉल हाइट को स्मॉल एच इक्वल टू 0.8 meter, इतना हमको डेटा पता है। चलो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए, तो एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको हम क्या लिखेंगे, जो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ही तो बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी तो दोनों में जीरो आ जाएगी क्योंकि जाके रुक जा रहा है और स्टार्टिंग में चला वहां भी जीरो था, तो इसलिए क्या बचेगा, केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। तो चलो इसको निकालते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच स्मॉल एच, क्योंकि वहां पे जाके रुका है, और इनिशियल में क्या था, एम जी कैपिटल एच, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में एच माइनस कैपिटल एच, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, स्मॉल एच की वैल्यू दिया है 0.8, कैपिटल एच की वैल्यू 1, जब इसको सॉल्व करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल के आएगा -2 joule। देखो यहाँ पे मोशन और फोर्स अपोजिट लग रहे हैं ना, तो आपका वर्क डन देखो यहाँ निगेटिव में निकल के आ गया है, यहां से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिखने में केवल इतना लंबा लग रहा था लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो एक बार आप फिर से देखिए और फिर ट्राई कीजिए, तो देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो और खुद से ट्राई करो एक बार पहला, देखो कोई भी क्वेश्चन हो यहां तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूं लेकिन आपको एक बार खुद से करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तभी आप सॉल्यूशंस देखिए। देखो ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड बाय 10 semi अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक, द ब्लॉक इज गिवेन अ शार्प इंपल्स फ्रॉम बिलो सो दैट इट अक्वायर्स एन अपवर्ड स्पीड 2.0 meter per second, हाउ हाई विल इट राइज, टेक जी इक्वल टू 10 meter per second square। चलो जो जो पहले कह रहा है ना उसको हम बनाते हैं, ये एक स्प्रिंग है इनिशियल में, अभी क्या होता है कि इस पे एक ब्लॉक लटका दिया गया है और जब ब्लॉक लटकाया, अब ब्लॉक लटकाओगे तो स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच होगी, यहां पे एक ब्लॉक लटकाया, अब स्प्रिंग जो यहां से इनिशियल से फाइनल पे स्ट्रेच हुई है कितना स्ट्रेच हुई है, एक्स मान लेते हैं एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना है 10 centimeter, यही दिया हुआ है ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये कितना इसका वेट है 5 kg। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं। अब क्या करते हैं कि यहां से इसको एक इंपल्स देते हैं, मतलब कोई स्प्रिंग है आप ऐसे हींच के उसको रिलीज करोगे यहां से, अब ये जब छोड़ोगे तो ये क्या होगा, अप डाउन मोशन करेगा कि नहीं, ये वही पूछ रहा है, जब यहां से हमने इसको रिलीज किया तो स्प्रिंग कितना ऊपर तक के ब्लॉक को लेके जाएगा, आपसे वो हाइट पूछी जा रही है। चलो उसका मैं थोड़ा अलग कलर करके लिखता हूं, मान लेता हूं ये ब्लॉक जो है वो एच हाइट तक गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब देखो यार जब ये 5 kg है तो नीचे क्या लगेगा आपका, 5g लगेगा ग्रेविटी फोर्स, और जब स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच है तो स्प्रिंग का ये अपोज करेगा कि नहीं इसका मोशन, स्प्रिंग फोर्स एक आएगा, स्प्रिंग फोर्स को नाम दे देते हैं FS, क्योंकि इसको बैक करने के लिए स्प्रिंग फोर्स आएगा कि नहीं रोकने के लिए। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सारा क्वेश्चन हम कर दे जाएंगे। चलो जो जो दिया है उसको नोट कर देते हैं, एम इक्वल टू 5 kg, और क्या दिया है, और क्या एक्स कितना स्ट्रेच हुई है 10 centimeter, मतलब इसको मीटर में करेंगे 0.1 meter। आगे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू किया ब्लॉक, जब इसको नीचे से हमने रिलीज किया 2 meter per second स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये है इसकी वेलोसिटी 2 meter per second। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने ऊंचाई तक जाएगा इस स्पीड से, और जी की वैल्यू बोला है
मीटर पर सेकेंड यूज करने को। देखो यार एकदम इजी क्वेश्चन, अगर आपको वर्क एनर्जी पता होगा और स्प्रिंग फोर्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते समय, आप इसको तुरंत क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो चलो सबसे पहले अगर स्प्रिंग आए, हमको स्टिफनेस चाहिए होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस ब्लॉक को, यहाँ पे नीचे फोर्स 5G लग रहा है और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, यही है ना। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg लिख सकता हूँ कि नहीं, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स इक्वल टू mg, तो के इक्वल टू क्या निकल के आएगा, mg डिवाइडेड बाई एक्स। m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10 और x की वैल्यू है 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आएगा 500 न्यूटन पर मीटर। जैसे ही अपना आया, सारा क्वेश्चन अब आसान हो गया, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही खेल है और कुछ नहीं करना है। एक बार हम इस पॉइंट पे एनर्जी निकाल लेंगे, एक बार हम एच हाइट पे जब आया है बी और इसको नाम ए दे देते हैं, एक बार ए पे निकालेंगे एक बार बी पे, दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है और हमें एच की वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी जस्ट आफ्टर द ब्लो, जब इसको हमने झटका दिया, टोटल एनर्जी जस्ट आफ्टर ब्लो। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट है समझना, क्योंकि स्प्रिंग पे भी ना जब आप जेई एडवांस या ये सब क्वेश्चन दोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आजकल तो जेई मेन और नीट वाले भी ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है। तो जो नीचे है, जैसे इसको जस्ट हमने धक्का दिया, यहाँ कौन कौन सी एनर्जी आएगी, एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी आएगी, भी स्पीड से ऊपर जा रहा है, और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्योंकि स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच हुई है, कितना स्ट्रेच हुई है, एक से स्ट्रेच हुई है। तो चलो मैं डायरेक्ट उसका लिखता हूं, एक आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दूसरा आएगा आपका स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, kx स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब अगला मान लेते हैं स्प्रिंग आपका एच हाइट तक गया है, इसकी वैल्यू एक साथ पुट करेंगे सबकी, टोटल एनर्जी एट हाइट एच, टोटल एनर्जी एट हाइट एच, हाइट एच पे कौन कौन सी एनर्जी आएगी। देखो जब ये यहां से ऊपर आया है, ये आपका रेफरेंस था इनिशियल, अगर यहां से ऊपर आया है, एक तो आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। अब यहां पे आके रुक गया है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे चला गया है, और कितनी एनर्जी आएगी, दूसरा आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, प्लस ग्रेविटी भी तो इस पे काम कर रही है, ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास ऊपर गया है तो इस पे ग्रेविटी काम करेगी। तो चलो इसको लिखते हैं, यहां पे कौन कौन सी एनर्जी आई, ई इक्वल टू आपका आया हाफ के, अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो यहां तक x था, यहां से यहां दूरी x है, इसको स्मॉल h नाम दे देते हैं, ठीक है, ये पूरा h है, ये पूरा हाइट आपका h है, तो ये छोटा वाला पोर्शन कितना होगा यहां से यहां तक, क्योंकि ऊपर तो यही जा रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये होगा h माइनस x होगा, यही हाइट होगी ना। तो चलो इसको यहां पे पुट करते हैं, के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल एनर्जी एम जी एच, एच हाइट पे ऊपर आई है नीचे से देखे। जैसे ही आपने ये समझा, अब यहां पे सारा वैल्यू अपने को पता है, अननोन क्या है, अननोन आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ है, नीचे वाले में केवल h अननोन है, हम h की वैल्यू पुट करेंगे, सारा आंसर अपने को मिल जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी इज कंजर्व, ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर, ये नीचे जब एकदम था जस्ट ब्लो तब था, और h हाइट पे क्या है, हाफ के h माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब चलिए इन सब की वैल्यू पुट करिए, तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, अगला स्लाइड ले लेता हूं, हाफ मास कितना है, 5 kg है, और किस स्पीड से ऊपर गया है, भी आपको दिया है 2
2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया, प्लस हाफ के की वैल्यू है 500 और स्प्रिंग कितना नीचे आई थी 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाफ के की वैल्यू कितनी है 500, एच हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू है 0.1 इसका होल स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू है आपकी, जी की वैल्यू कितना पुट करने कैलकुलेशन की 10 दे देते हैं इनटू एच। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो सारा क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, केवल क्या अननोन है, एच अननोन है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने सॉल्व करके लाया है तो डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप खुद से सॉल्व करके और आंसर को मैच कराना, जिसका मैच हो जाएगा वो हमको कमेंट करके बताना ताकि हमको पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो सीरियस इस सेशन को देख रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट पूरे सेशन को अटेंड करेगा मैं गारंटी दे रहा हूं उसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रुकेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप वीडियो को पॉज करिए एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम स्प्रिंग का है। देखो जितने जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है ना वो सब टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप इतना करके अच्छे से समझ लीजिए जो क्वालिटी क्वेश्चन है, एग्जाम में आप एकदम इजीली 30-40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर ले जाओगे, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन में सॉल्व किया, अब आप इसको खुद से करो, पहले वीडियो को पॉज करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए कि मिस्टेक्स आपसे कहां पे हुई है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बिलो द स्प्रिंग इज, देखो स्प्रिंग नीचे फिक्स है, लिखा है फिक्स फ्रॉम द बिलो द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस टू हैव अ लेंथ 10 सेमी शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजिशन हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग पे एक 250 ग्राम का ब्लॉक रखा है, जब आप किसी स्प्रिंग पे कुछ वजन रखोगे तो क्या होगा, दब जाता है और जैसे ही वो दबेगा और आप उसको रिलीज करोगे तो कितना ऊंचाई तक फेंकेगा वही आपसे पूछ रहा है। आप लोग ने अगर मॉल में घूमने गए होंगे एक वहां स्प्रिंग पे वो बनाया जाता है जिसपे बच्चे लोग खेलते हैं, वो जितने स्पीड से नीचे कूदते हैं उतने ही उसके डबल स्पीड या उसके बराबर स्पीड से वो स्प्रिंग क्या होती है बैक फेंकती है, वही वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जब आप उस पर कूदते हैं तो स्प्रिंग जो है वो दब जाती है और जब वो रिलीज करती है तो वापस एनर्जी देती है जिससे आप उससे ऊपर पे मूव करते हैं। तो ये वही सेम केस हो रहा है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग आपकी ग्राउंड पे फिक्स है और यहां पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक का कलर चेंज करते हैं, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। अब देखो यार अगर स्प्रिंग पे कभी आप खड़े होके देखे होंगे तो स्प्रिंग दब जाती है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देती है अगर एक्स कंप्रेस हुई, और अगर आप उस पे से कूदोगे तो कितना बैक वो स्प्रिंग ऊपर नीचे जाता है, तो वही पूछ रहा है कि ब्लॉक कितने हाई तक ऊपर जाएगा अगर इसको हम रिलीज करेंगे इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी स्प्रिंग है, यहां पे फिर से बना देते हैं, कितना कंप्रेस हो जा रही है स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई है, एक मिनट कलर सेम रखते हैं ब्लॉक का, नहीं तो कितने लोग कमेंट करेंगे बोलेंगे आपने ब्लॉक क्यों बदल दिया, है 250 ग्राम और यहां से यहां तक कितनी हाई डिक्रीज हुई है स्प्रिंग की जब इस पे हमने लोड डाला 10 सेंटीमीटर ये नीचे आ गई है, समझ में आया कि नहीं। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर दबी है जब इसको ये हटाएंगे तो कितनी स्पीड से वापस फेंकेगा वही आपसे पूछा जा रहा है, समझ में आया ना क्या हो रहा है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, एनर्जी का कंजर्व लगाएंगे अपने को एच मिल जाएगा तुरंत इजीली अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो चलो जो जो पहले दिया है उसको हम नोट कर देते हैं, मास दिया है ब्लॉक का 250 ग्राम। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, अगर क्वेश्चन आप समझ लिए तो इसको इजीली कर ले जाओगे, इस पे कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, अगला क्या दिया है, कितना
कितना कंप्रेस हुई है, एक्स, एक्स इक्वल टू 10 सेमी, इसका मतलब 0.1 मीटर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब अपने को पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई तक जाएगा, मान लेते हैं कि जब स्पीड ने झटका मारा तो किस ऊंचाई तक जा रहा है, एच ऊंचाई तक वापस जा रहा है, मान लेते हैं एच ऊंचाई तक जाएगा, ठीक, कुछ एच ऊंचाई तक, तो वही हमको एच निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी एनर्जी स्टोर की है पोटेंशियल, वही एनर्जी तो इसकी रिलीज होकर ग्रेविटी एनर्जी में ब्लॉक की जाएगी, वही जाएगी ना। तो चलो यहां पे हम उसका कंजर्वेशन लगाते हैं, क्या कंजर्व यहां करते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करोगे तो क्या निकल के आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो यार, जब ब्लॉक कंप्रेस हुई है तो उस पर कौन सी एनर्जी है, यहां पे जब ब्लॉक कंप्रेस हुआ है तो कौन सा एनर्जी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो जब ब्लॉक एच ऊंचाई पे चला गया है, अब स्प्रिंग नहीं गई है केवल ब्लॉक गया है, तो ये आपका एच ऊंचाई पे मान लेते हैं गया है, तो यहां कौन सी एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम जी एच। देखो सारा वैल्यू अपने को दिया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, केवल एच की वैल्यू पूछी जा रही है, तो एच इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एच इक्वल टू हाफ के की वैल्यू कितनी है 100, और एक्स की वैल्यू कितना कंप्रेस हुआ है 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्प्रिंग का मास कितना है, सॉरी वो ब्लॉक का 0.25, और जी की वैल्यू हमने कितना लिया है 10। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एच इक्वल टू निकल के आएगा 0.2 मीटर, सारा सेंटीमीटर में हाइट दी थी तो एच इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो जितना एक कंप्रेस हुई थी उसके डबल ऊंचाई पे फेंकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। स्प्रिंग और जो ब्लॉक स्लाइड करता था उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो स्प्रिंग का एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो और लंबी ना हो। उसके साथ एचसी वर्मा का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस वीडियो में वो फिनिश हम कर देंगे। फिर उसके बाद अपना पीवाईक्यू और ये चालू करेंगे, 2-3 लेक्चर में पीवाईक्यू आपका जेई नीट और एडवांस का लेके उसको भी फिनिश कर देंगे, तो अपना वर्क पावर एनर्जी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। जितना मैंने डिस्कस किया न्यूमेरिकल पोर्शन और इसका थ्योरेटिकल, आप उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वर्क एनर्जी आपका एकदम बेस है, ये आप कर लोगे ना तो पिछला जितना चैप्टर हमने अब तक स्टडी किया है, चाहे काइनेमेटिक्स हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो या फ्रिक्शन हो, सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। इस चैप्टर को अच्छे से करोगे वो सब भी क्लियर हो जाएगा, और आपके फिजिक्स का 25% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे जितना चैप्टर अभी तक हमने किया है। आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हो, जेई मेन का भी रिसेंटली एग्जाम फिनिश हुआ है, सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं, और 60 क्वेश्चन में सॉरी जो दोनों सेट होते थे उसमें से 10-12 क्वेश्चन जितना हमने डिस्कस किया हुआ है वो अपने ही नोट से पूछे गए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ट्रस्ट करके पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आप लोगों के लिए देखिए मैं इतना स्टैंडर्ड कंटेंट ऐसे ऐसी जगह से ढूंढ के लाता हूं, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे ज़रा सा भी डिफरेंट ना हो। तो यार अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर तो सकते ही हो, और जैसा कि मैं डेटा देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो केवल वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, उससे जो और भी स्टूडेंट आएंगे वो देख के ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो ज़्यादा लोग तक ये बेनिफिट पहुँच पाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।